एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, कुकिंग विद हरमन। आज आप थोड़े लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेके आए हैं, एक अचार की रेसिपी लेके आए हैं। आज आप बनावांगे गाजर का अचार। तो देखो, गाजर बहुत ही सोहनिया लैके आए हैं। आप किसी भी स्टोर चो गाजर बाय कर सकते हो, ताजिया ताजिया गाजर। इनू धो सवार के असी रख लिया, हूँ असं चीरेंगे, कट्टांगे उपरों। तो फिर जिहड़ी शेप दे विच कट्टांगे भी अचार, जिहड़ी शेप दे विच असीं पाउणा आ उह तुहानूं दस्सांगे, ते इहदे इनग्रीडिएंट भी तुहानूं दस्सांगे। पहलां हुण आपां अपने गाजरां नूं कट लईए। जी, गाजर दा अचार पूरे मसालियां वाला, यम्मी खट्टा मिठा, रेस्टोरेंट स्टाइल। तुसीं भी जरूर बना के देखो, एंड वीडियो एंड तक जरूर देखियो। वीडियो नाल बने रहो। गाजर दा अचार जिन्हां जिन्हां ने सीखना आ। मम्मी ते मैं गाजर कट रहे हैं पहला, क्योंकि गाजर कट्टण का भी बहुत काम होंगे। तुम जिम्मे थोड़ा इन्ना तो कॉमन अपन पता ही होंगे, साइड्स तो ला के गाजर तो उपरों छिल लो, जिम्मे मम्मी कर रहे हैं। इन झिड़ना कहें, अद्धे लोग गाजर छिलते हैं, पर तुम इदा झिड़ सकते हो, फिर इदा ना वेस्टेज नहीं होंगी ना वधिया होंगे। गाजर तो उदा ही इदा खान च बहुत स्वाद लगदी होंदिया ने। देखो जी, इदा तो क्लीन कर लेनिया ने। बिल्कुल ही सौखा अचार पाना गाजर दा, गाजर हाँ जी, बहुत बनता गाजर का अचार, वधिया बहुत लगता। इदा तुसी करके रख लेने, फिर आप इन्हों चंगी तरह धोवांगे, फिर आप इन्हों कट्टांगे। एक एक करके सारिया गाजर झिड़ लेनिया ने। एंड जिवें कि तुहानू सारिआं नूं पता ही आ, आपां भला कोई भी सब्जी बनाई होवे पर नाल जदों अचार होऊगा तां फिर सब्जी का टेस्ट बहुत ज़्यादा दुगना हो जाता। सो कल्ले अचार नाल भी बहुत लोग खाना लाइक करते हैं, चटनी नाल अचार नाल रोटी। सो जिहड़े ये आपां गाजरां दा अचार पाउण लगे आ, आपां छोले भटूरे दे नाल खावांगे गाजरां। सो घरे ही छोले भटूरे बना के नाल गाजरां दा अचार बहुत ही स्वाद लगता है। इहनूं आपां स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये वाले अचार नूं। गाजरां नूं धो लईए, सवार लईए, फिर आपां इहनूं कट्टांगे निक्के निक्के पीसिस दे विच। सो हुण जिवें मम्मी कट्टी जांदे आ ना, तुहानूं देख ही लिया कि इन्ने निक्का पीस ते इन्ना पतला पीस तुसीं लैणा। सो जिवें इह गाजर आ, इहनूं तुसीं तिन्न पीसिस दे विच कट कर लो, इदां इदां, है ना। एंड फिर तुसीं इहनूं हाफ, थोड़ियां जिहियां गाजरां हार्ड हुंदियां ने, ब्रिंक ही कट्टणियां ने आपां, हाँ इदां कर लो। ते हुण इहनां नूं बिलकुल ब्रिंक ब्रिंक पीसिस दे विच ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਾਰਡ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਗਾਜਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰੀਕ ਕੱਟਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਗਾਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਡਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ, ਉਹ ਟੰਡਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਅਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਟੰਡਲ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਡੰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ फिर तो चार पाँच सत्त मिनट के बन जाना थोड़ा। तुसी इनू स्टोर करके रखो, तो एक बार मेहनत ना बनाओ, मुड़ के अपना खाओ रोज अचार। देखो जी, सो इदा इदा के पीस मैं तुम्हें फिर कहनी कि जिन्ने तुसी निक्के पीस रखोगे, पतले पीस रखोगे, उन्ना ज्यादा स्वाद बनूगा थोड़ा अचार। तो बस अपने दो चार गाजर हो जाएंगे। इहदी शेप आपां कोई भी दे सकदे, जिवें तुसी लंबे पीसज दे विच कट्टिया है, गोल गोल भी कर सकते हैं, पर उसका अचार हमेशा मोस्टली इस तरह ही होता, मोस्टली इदा ही होता जी। हम आप रेस्टोरेंट्स में जाने हमेशा छोले भटूरे नाल लंबे लंबे गाजर देंगे, वो इन्नी इन्नी एडे एडे की पीस होंगे, तो स्वाद भी लगते हैं। ठीक है जी, ठीक है। जे तुम कोई लगे कि कोई 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 पीस विचो वड्डा, तो उन्होंने हाफ पीस हाफ के फिर तुम डिवाइड कर सकते हो। सो अपने हम सारे गाजर कट्टिया भी गई, हम मैं तुम्हें दस देव कि वेड़े कि इनग्रीडियंट आपने पाने। सो सारे जो इनग्रीडियंट आएंगे, सो सब तो पहला आपको चाहिए राई। सो तुम नोट डाउन भी कर सकते हो, कई बार स्किप हो जाता माइंड के। एंड आप चाहिए अजमैन, एंड आप चाहिए लाल पीसी हुई मिर्च, एंड आप चाहिए ने इलायचियाँ, वड्डी इलायची, छोटी इलायची, तो लौंग क्लोव्स कहते हैं जिन्हों। एंड आप चाहिए काला नमक, नून, एंड आप चाहिए सौंफ, आप चाहिए गुड़, आप चाहिए जीरा, एंड सॉल्ट,
काली पीसी हुई मिर्च, ब्लैक पैपर एंड अपन चाहिए है हल्दी, तो नाल ही अपन चाहिए विनेगर, तुसी कोई भी विनेगर यूज कर सकते हो, एंड अपन चाहिए मस्टर्ड ऑयल। जिन्हें भी ये अचार होंगे ने सारे सरों के तेल के बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनते हैं, सो तुसी ट्राई करना कि सरों के तेल के सारे अचार पाओ। तो यह है कि जो अपने इनग्रीडियंट कोई ज़्यादा भी नहीं है तो ना नोट डाउन करके रख लो, जो थोड़े माइंड से स्किप हो जाए, जो वैसे तुम एक अद्धी चीज़ ये स्किप कर भी सकते हो, पर मोस्टली सारे मसाले पेंदे आ, अचार बहुत ज़्यादा स्वाद बनता। हूँ आप बहुत गल्ला नहीं करते, हूँ आप स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। जो अपने मसाले ले हम ग्राइंड कर लाँगे। मैं एक इतने मिक्सी ली है, वो आप हाफ अपनी राई एंड हाफ टेबल स्पून ही आप अजवैन एंड हाफ ही आप सौंफ, काला लून, हाफ जीरा एंड जिहड़ियां अपनियां लैचियां सीगियां वड्डियां लैचियां छोटियां लैचियां लौंग, वह मैं एक कुंडी सोटे दे विच लै के इहनूं थोड़ा जिहा इदां करके कुट लूँगी तां कि जिहड़ा इहदा उपरला कवर आ उह अपना खुल जावे छिलका, ते आपां इहदे वी वी बी जिहड़े हुंदे आ उही इहदे विच पाउणे आ कि खुशबू दे लई, ठीक है। सो वड्डी लैची इहदे वी हो गए एंड छोटियां लैचियां दे वी हो गए, सो यही पाने ये टेस्ट खुशबू दे लिए। इन्हों जितने भी मसाले पा ले सीगे इन्हों आप ग्राइंड करांगे। ओके जी, सो हुण आपां ने पीस लिया सीगा, हुण तुसी एक बार तुसी भी देख लो कि किन्ना कु तुसी पीसना है। इदां दा जदों हो गया फिर तुसी स्टॉप कर देना एंड हुण आपां इहनूं स्टार्ट कर दें अपना भुनना गाजरां तेल दे विच। हुण ना आपां ने अपना तेल जिहड़ा सरों दा तेल सी उहनूं चंगी तरह गर्म कर लिया, जिवें मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया होया कि तेल नूं सरों दे तेल नूं चंगी तरह गर्म करके उहदे विच तुसीं जो भी चीज़ ऐड करनी उदों ही पाउणी आ, अदरवाइज़ आपां नूं खंघ होण दा डर हुंदा। सो अपना तेल पूरा गर्म हो गया, हुण मम्मी ने सारे मसाले इहदे विच ऐड करने ने, जिहड़े आपणे पहलां आपणे मिक्सी दे विच पीस ले सी उह सारे उह मसाले ने। इहदे विच मम्मी ने कालियां पीसियां मिर्चां ऑलरेडी ऐड कर लईआं, हुण इह मम्मी ने पा देना सारे मसाले। बस इह तेल दे विच आपां सारे मसाले पा दित्ते ने, मसाले पा के इनू दो एक दो मिनट बस भुन नाल दी नाल आपां इहदे विच मिर्चां लाल ते थोड़ी जी हल्दी ते नमक सारे मसाले पा लए आ। हुण आपां इहदे विच ऐड करन लगे आपणियां गाजरां, नाल नाल करछी हिलाते रहना तुसीं, तेल ने मच जाना अदरवाइज, नहीं तां तुसीं सारे गाजरां नूं अपने तेल दे विच इदां पा लेना। आपां नूं हिला देना छेती छेती, ते उंदा फ्लेम बहुत लो आ, ज्यादा नहीं हैगी इह फ्लेम, लो ते बनाउणा क्योंकि अपना तेल पूरा चंगी तरह गर्म हो गया सीगा। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਰੈਸਪੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਅਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਟੋਰ ਕਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੁੱਕ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਰਮ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਰਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੜਛੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਨੇ अपने नीचे अपने पैन में ना स्टिक हो जाए। सो वैसे ये जो आप घ्यो पाया हुआ मसाले पाए हुए ने घ्यो के नाल जो अपना नॉन स्टिक का है जो पैन वो नहीं ही नीचे लगन मिले आपन फिर ढक के रख दो भी थोड़े टाइम के लिए। एंड आप एक होर पैन लिया, ये आप बनावे अपनी जी गुड़ जो आप लिया विनेगर लिया उन्होंने उबालेंगे। जिन्ना टाइम अपने गाजर नरम होंदिया ने उन्ने टाइम के आप जो अपना गुड़ लिया वो मैं एक कुंडी सोटे दे विच रख के उन्हों पीस लूँगी ताकि वो पीसिस थोड़े छोटे हो जाए, फिर आप इन्हों बॉयल करवाना इनू तो विनेगर न। सो तुसी एक किसी भी चीज़ के रख के इनू भन लो गुड़ ताकि जो पीस ने वड्डा वड्डा गुड़ सी ना ये देखो ये निक्के निक्के पीस हो गए फिर ये बॉयल छेती हो जाऊ। मैं देखो एक बाउल विनेगर लिया इनू आप थोड़ा
थोड़ा जो टाइम बॉयल करावे एंड ये पावे आप अपना गुड़ जो अपने गुड़ कुट के रखिया इन्हें थोड़ा जहा गर्म हो जाए अपने विनेगर फिर नाल ही आप गुड़ पा देंगे ये खट्टा मिठा टेस्ट आना अपने जी गाजर के चार फिर आप मिला देवे विनेगर से पूरा गर्म हो गया से आप ये पावे हम अपना जो पीसया हुआ गुड़ जो अपने गुड़ ग्राइंड जहा करके रखा से जो इन चंगी तरह उबाला आ गया फिर आप अपने गाजर मिक्स कर देंगे ये थोड़ा मैं जिम्मे दसिया अपना अचार बहुत ही ज्यादा खट्टा मिठा जो टेस्ट आना गाजर उदा आना सो इन्हें दो तीन मिनट के अपना बन जाना देखो सारा पिघल जाना गुड़ ने विनेगर के अपन जी गाजर ने हम बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो गई नरम हो गई पूरा अचार अपना बन गया आ तुसी देखो कलर कितना सोहना आया एंड जिहड़ा आपां ने इधर विनेगर प्लस जिहड़ा गुड़ घोल के रखिया ये भी पूरा देखो वधिया बन गया हुण आपां इहदे विच करांगे मिक्स ठीक है जी इहदे नाल टेस्ट थोड़ा बहुत वधिया आउंदा बहुत लोग इह चीज़ नूं स्किप कर दिंदे ने थोड़ी पूरी चॉइस आ तुसी इहनूं स्किप भी कर सकदे हो नॉर्मल गाजर दा अचार भी पा सकदे हो पर यह जस्ट एक टिप हैगा इहदे नाल टेस्ट बहुत ज़्यादा वधिया आउंदा रेस्टोरेंट स्टाइल आउंदा टेस्ट रेस्टोरेंट स्टाइल थोड़िया गाजर पूरी बन दया ने बाकी तुसी कॉमेंट करके जरूर दस्यो जी साड़ी वीडियो है जो थोड़ा वधिया लगी दैन कॉमेंट करके जरूर दस्यो एंड जो थोड़ा रेसिपी वधिया लगी अपने फ्रेंड्स फैमिली मैंबर्स नाल जरूर शेयर करो एंड जो थोड़े तो बनी है रेसिपी तो भी सानू दस्यो जो कोई चीज़ की कमी रह गई बाय चांस थोड़िया गाजर सॉफ्ट नहीं बनिया जो थोड़िया जो हार्ड रह गई कोई टेस्ट के फर्क रहा तो भी सानू दस्यो जो साढ़े तो कोई हैल्प हो सकती कोई असं थोड़ा दस सकते कोई सुझाव तो थोड़ा देवे एंड जे वधिया बनी फिर तो तुसी जरूर दसना ही दसना एंड साडे चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर दिओ कुकिंग विद हरमन बहुत ज़्यादा स्वाद लगने है जी रैसपी तुसी अपने फैमिली मैंबर्स नूं बना के खवायो रोज अचार जिवें अचार जिन्हां नूं खाण दा बहुत शौक हुंदा ओह रात दे टाइम जदों आपां रोटी दे नाल खाने अचार बहुत स्वाद लगता सो दुपहरे भी जदों कदें भुख लगे तुसी रोटी दे नाल भी इहनूं अचार नूं खा सकदे हो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਅਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਲੈਣੀ ਆ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਂਗੇ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਟੇਂਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ खराब होने के चांस बहुत घट होंगे ने जिस तरह पानी रहे जा तेल रहे ते डूब जाए सारा चार फिर छेती खराब नहीं होंगे चार हाँ जो एक गल होर है कि जो आप जी गाजर जो आप बनाने तड़क के जिम्मे हूँ आप तड़क के कोई भी चीज़ बनाने वाले का अचार बनाया से अपने तड़क के बनाने जी भी चीज़ वो आप 10 तो 15 दिन के लिए ही स्टोर करके रख सकते हैं वो भी आपको खानी पैंती है तुम फ्रिज के रख सकते हो इदा नहीं है कि बाहर पिया पर जी तेल जी चीज़ पाने तेल कोई भी अचार उदा नॉर्मल डब्बे कट के गाजर तेल च सिट दी बन गई थोड़ी जी लेट है ये हम अपना रेडी टू गो आप रेडी टू सर्व आप कर सकते हैं है ना पर जी दूजी चीज होंगी तेल तेल वाली वो बनती भी लेट आ साढ़े आले का अचार से 6 महीने बनता ठीक है सो वह बनता भी लेट आ खा भी तुम 2-3 साल तक स्टोर कर खराब नहीं होंगे तो हैल्दी भी बहुत ज्यादा होंगे सो तुम उदा भी कर सकते हो पर यह जी चीज है कोई आया गया आवे गैसट आन सो तुम उन्होंने सर्व इदा कर सकते हो अचार बहुत वधिया लगते हैं सो घर के अचार बेसिकली सो जो आप मार्केट चो अचार लैके आने उन्होंने टेस्ट कुछ अलग ही होंगे मसाले बाले ज्यादा होंगे तो जी घर की चीज़ होंगी फ्रैश होंगी अपने हाथी आप बनाने तो वह टेस्ट ही वक्रा होंगे सो तुम सारे जने जरूर ट्राई करो असं उम्मीद करते हैं थोड़ा साड़ी वीडियो बहुत वधिया लगी होगी एंड गाजर का अचार तुसी सारे जने जरूर ट्राई करके देखियो एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मैंबर्स तक ये वीडियो जरूर पहुँचाओ दैट्स इट गाइज नैक्सट ब्लॉग के मिलते हैं बाय।